मोबाइल के कैमरे को DSLR से कंपेयर करना बेवकूफों वाली बात हो गई, क्योंकि DSLR जो क्वालिटी देता है वो फोन आपको कभी नहीं दे सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके फोन से वीडियो बहुत ज्यादा खराब रिकॉर्ड होगा, आप फोन से भी बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ओपन कैमरा। बहुत सारे व्यूअर्स जो अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ओपन कैमरा ऐप यूज करते होंगे, लेकिन उन सबको इन सब सेटिंग्स के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब सेटिंग्स के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग एक भी पार्ट मिस करते हैं तो फिर आपका सेटिंग भी मिस हो जाएगा, फिर आपका क्वालिटी भी कम हो जाएगा। और अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं ये मैंने मोबाइल से ही शूट किया है, तो यहाँ पे मैंने ओपन कैमरा एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और मेरे ओपन कैमरा का इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। अगर आपका इस टाइप का नहीं है तो आप भी कुछ सेटिंग्स को इनेबल करेंगे तो आपका भी इंटरफेस कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, जो कौन सी सेटिंग से क्या क्या होता है और कौन कौन सी सेटिंग्स आप इनेबल करेंगे जिससे आपका भी इंटरफेस इस टाइप का हो जाएगा, वो मैं आप लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर में आप लोग को टाइम शो कर रहा है, उसके नीचे आप लोग को आपके फोन का स्टोरेज शो करेगा जो आपका स्टोरेज कितना खाली है। उसके बाद आप कौन से सेटिंग्स में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ISO क्या है, आपका शटर स्पीड क्या है वो शो करेगा। फेस डिटेक्शन मोड इनेबल है कि नहीं उसका लोगो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप लोग अपने ओपन कैमरा के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस 3 लाइन पे आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे और ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग अपने कैमरा का फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं, फोकसिंग मोड चेंज कर सकते हैं और ऑटो लेवल का जो ऑप्शन है इस पे टैप करेंगे तो ओपन कैमरा ऑटोमेटिक ये सब सेट कर देगा। उसके बाद आपका जो वीडियो का रेजुलेशन है वो यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं, मैं फुल HD यूज करता हूँ। उसके बाद आप लोग अपने वीडियो को स्लो मोड या फास्ट मोड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद टाइमर का ऑप्शन मिलता है, तो ये ऑप्शन अगर आप इनेबल करेंगे तो आपका वीडियो टाइमिंग के साथ स्टार्ट होगा, तो आप इसको 5 सेकंड 10 सेकंड किसी पे भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद रिपीट का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये रिपीटेड वीडियो बूमरिंग बना के दे देगा। उसके बाद ग्रिड का ऑप्शन मिलता है जिसको मैंने 3:3 में ऑन करके रखा हुआ है। उसके बाद वाइट बैलेंसिंग सीन मोड कलर इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इन तीनों ऑप्शन से आप अपने वीडियो को एक सिनेमेटिक लुक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक देख सकते हैं माइनस प्लस का ऑप्शन मिल जाता है बॉक्स के अंदर, इससे आप लोग अपने वीडियो का ISO एंड शटर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दो ताले मिलते हैं इसको अगर आप लोग इनेबल करेंगे तो आपका जो एक्सपोजर है और वाइट बैलेंस है वो लॉक हो जाएगा, अगर आप मूव करते हैं तो ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होंगे। उसके बाद आप लोग को नीचे में फेस डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप इनेबल और डिसेबल यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गैलरी का, जहाँ से आप लोग अपने गैलरी में जा सकते हैं और अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग कैमरा स्विच कर सकते हैं फ्रंट टू बैक, बैक टू फ्रंट। उसके बाद इस वाले ऑप्शन से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले ऑप्शन से फोटो टू वीडियो, वीडियो टू फोटो मोड पे स्विच कर सकते हैं आप। उसके बाद नीचे में आपको एक स्लाइडर का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो आप लोग को नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो लेवल मीटर का, इससे आप लोग पता कर सकेंगे कि आपका वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, और ये मीटर जितना आगे तक जाएगा उतना आपका आवाज तेज होगा। उसके बाद आप लोग को नीचे में एक नंबर शो कर रहा होगा -9 -14, तो ये नंबर आगे पीछे हो रहा है, तो इससे आप लोग पता कर सकेंगे कि आपका मोबाइल सीधा है कि नहीं। अगर ये माइनस की तरफ होगा यानी कि आपका मोबाइल लेफ्ट साइड ज़्यादा झुका है, अगर ये पॉजिटिव की तरफ रहेगा यानी कि आपका जो मोबाइल है वो राइट साइड ज़्यादा झुका है, तो इसको आप लोग को ग्रीन करके रखना है, तब आपको पता चल जाएगा जो आपका मोबाइल सीधा है कि नहीं। तो अभी मैं आप लोग को अपने ओपन कैमरा के इंटरनल सेटिंग्स दिखा रहा हूँ, तो आप लोग चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके आप लोग अपने ओपन कैमरा का सेटिंग मेरे जैसा कर सकते हैं।